एक आइस ब्लॉक है 100 सेंटीमीटर क्यूब का उसको इस वेसल में रखा लेफ्ट वाले में तो वो आधा डूब गया देन हाउ मच मास ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग ट्यूब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग देखो इसमें ज़्यादा पानी है नहीं ना अगर ज़्यादा पानी होता तो आइस फ्लोट करता अब नहीं है ज़्यादा पानी तो ये जो है इसका बॉटम ये इसके वेसल के बॉटम को टच कर गया और आधा पानी में डूबा हुआ है आइस अब जब डूबा हुआ है तब वापस लेवल मेंटेन हो गए ठीक है थोड़ा पानी ट्रांसफर हुआ और लेवल मेंटेन हो गए अब जब वो आई मेल्ट होगा आइस तो कितना पानी ट्रांसफर होगा ट्यूब से वो पूछा है ठीक है तो ये इसको ना हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे ताकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े तो विजुअली करते हैं इसको सो वी नो ओनली नाइन टेंथ ऑफ आइस इज वाटर सो नाइन टेंथ बाय वॉल्यूम है ना मासिस तो खैर सेम है दोनों के लेकिन नाइन टेंथ वॉल्यूम ऑफ आइस इज वाटर सो लेट्स थिंक ऑफ आइस बीइंग बिंग इन ए बकेट नाउ लेट इट मेल्ट एंड देन ओपन द वॉल्व तो ये आइस रखा हुआ है आधा सबमर्श है तो so आधा मतलब क्या फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब अंदर है ठीक है सबमर्श मतलब इसी लेवल पर और फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब आइस ऊपर है और इसको हमने एक बकेट में रखा हुआ है लेट से ठीक है और उसमें एक नल लगा हुआ है अब हम इसको मेल्ट होने देते हैं तो अब ये बाहर के लेवल तो खैर मेंटेन नहीं है है ना वो जब डूबा था उसके बाद से ये मेनटेन है बाहर के लेवल तो अब इसको मेल्ट होने देते हैं तो पानी कम हो जाएगा और तो पानी कितना कम हो जाएगा सो द वॉल्यूम रिमेन विल नाइन टेंथ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम तो पहले हंड्रेड था हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और पचास डूबा हुआ है तो दस सेंटीमीटर क्यूब कम हो गया ऊपर से तो अब इतना पानी इस बकेट में भरा हुआ है ठीक है इस लेवल तक और इतना पानी तो ऑलरेडी दोनों में है ही है इस साइड पे तो ऑलरेडी पानी इकट्ठा है तो इसके ऊपर जितना पानी है तो आप बस ये इमेजिन करो ये ऊपर ये जो पानी है ना ये हमने डाला है ऊपर से ठीक है क्योंकि इतना पानी तो दोनों में है ही है तो जब इतना पानी ऊपर से डालोगे एक मतलब एक वाले एक सिलेंडर में तो उसका आधा इधर फ्लो कर जाएगा तो मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब का आधा इधर फ्लो करेगा ठीक है ये नल खोलने पे सो हाफ ऑफ दिस वाटर ये जो शेडेड पोर्शन है विल इवेंचुअली फ्लो टू द अदर साइड कितना है फोर्टी बाय टू सेंटीमीटर क्यूब ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर तो वन सेंटीमीटर क्यूब वन ग्राम होता है पानी का तो ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब हो गया ट्वेंटी ग्राम सो आंसर इज है